हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम। और गाइस, पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि हम कैनन ईओएस 1500D को मिरर कर सकते हैं या नहीं। हम मोबाइल हो, लैपटॉप या फिर मॉनिटर, हम इन सब पे कैनन ईओएस 1500D मिरर कर सकते हैं या नहीं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम यही सब देखने वाले हैं और मैं कुछ आज आपको केबल्स बताने वाला हूँ जो कि क्या इस कैनन ईओएस 1500D के लिए है। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, आपने बहुत सी वीडियोस देखी होगी मोबाइल में प्ले स्टोर से एक ऐप लेकर हम DSLR मिरर कर सकते हैं हमारे मोबाइल फोन में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कैनन ईओएस 1500D वायरलेस मिरर नहीं होता है। दोस्तों, मैंने यहां पे बहुत से ऐप्स लेकर इसे ट्राई किया, यहां तक कि मैंने केबल्स के थ्रू भी मोबाइल से कनेक्ट करने की कोशिश की, पर नहीं हुआ। तो आपका टाइम वेस्ट होगा दोस्तों, आप ऐसे मिरर नहीं कर सकते हो कैनन ईओएस 1500D को। हाँ, हालांकि आप मार्क 200D को वायरलेस मिरर कर सकते हो, या फिर कोई भी निकॉन का DSLR ले लो, उसे भी आप वायरलेस कनेक्ट कर सकते हो अपने मोबाइल फोन से। सो गाइस, आप इस कैमरा को मिरर नहीं कर सकते हो। आप कितनी भी कोशिश कर लो वायरलेस के थ्रू या फिर USB के थ्रू मोबाइल पे मिरर करने की, पर मोबाइल पे ये कैमरा मिरर नहीं होगा दोस्तों। गाइस, मैंने OTG के थ्रू USB से मिरर करने की कोशिश की अपने मोबाइल फोन पर ट्रस्ट मी गाइस, नहीं होगा। मैंने बहुत सी कोशिश की पर नहीं हुआ। मैंने ये ऑफलाइन मार्केट से ये USB परचेस की थी दोस्तों, और मैं यहाँ से USB अटैच कर सकते हैं, पर दोस्तों ये सिर्फ डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होगी, मिरर के लिए यूज नहीं होगी। तो गाइस, इसे हम साइड में रख लेते हैं। और दोस्तों, मैंने यहाँ HDMI केबल भी परचेस की थी ऑफलाइन मार्केट से, जो कि मैंने 400 रुपए की परचेस की थी। आप चाहो तो ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। गाइस, मैं आपको बता दूं, ये कैमरा सिर्फ HDMI के थ्रू मॉनिटर पे मिरर हो सकता है, वायरलेस ये कैमरा मिरर नहीं होता है। मैंने प्ले स्टोर से बहुत से ऐप्स लेकर ट्राई किए वायरलेस मिरर करने की, पर नहीं हुआ। मैंने यहां तक कि प्ले स्टोर से ऐप परचेज भी करके ट्राई किए, पर ये कैमरा वायरलेस मिरर नहीं हुआ। तो दोस्तों, आप भी कोशिश मत करना, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप सिर्फ इस कैमरा को मॉनिटर पे HDMI केबल के थ्रू मिरर कर सकते हो, जो कि ये रही। सो गाइस, मैं आपको अब बता देता हूं कैसे हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे मॉनिटर पे। सो गाइस, मैं सबसे पहले 1500D में HDMI केबल कनेक्ट कर लेता हूं। सो गाइस, मैंने यहां पे इंसर्ट कर लिया है अपनी HDMI केबल DSLR में। अब दोस्तों, मैं मॉनिटर में कैसे इंसर्ट करते हैं HDMI, वो आपको बता देता हूं। अब दोस्तों, जो है मैं आपको मॉनिटर में कैसे इंसर्ट करनी है HDMI केबल वो बता देता हूँ। गाइस, ये दो पोर्ट रहे, HDMI 1 और HDMI 2। बट दोस्तों, हमें याद रखना है हम HDMI 1 में इंसर्ट कर रहे हैं या फिर HDMI 2 में। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे HDMI 1 में इंसर्ट कर देता हूँ अपनी HDMI केबल। सो मैंने यहाँ पे अटैच कर ली है। अब हम DSLR पे जाते हैं। सो गाइस, ये रहा DSLR। दोस्तों, हमें एक बात याद रखनी है, सबसे पहले हमें मॉनिटर ऑन करना है। तो मैं यहाँ पे मॉनिटर की पावर ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे मॉनिटर की पावर ऑन कर लिया है और हमें सिंपली अब DSLR करना है ऑन। तो ये रहा दोस्तों, मैं यहाँ पे DSLR सिंपली ऑन करता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा DSLR हो चुका है मिरर हमारे मॉनिटर से। गाइस, आप चाहे फोटोग्राफी करो या फिर वीडियोग्राफी, दोनों में ये सपोर्ट करेगा। गाइस, मैं यहाँ पे आपको कैमरा रोटेट करके बताता हूँ। गाइस, ये रहा, बहुत ही अच्छे तरीके से मिरर हो जाता है और बहुत ही सिंपल रास्ता है दोस्तों। सो गाइस, हम यहाँ पे हमारे DSLR का मेनू भी सीधा मॉनिटर पर देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, मैं सिंपली यहाँ पे मेनू में जाता हूँ, तो आप देख सकते हो मॉनिटर पे हमारे DSLR का मेनू पूरी तरह से दिखाई देगा, जो कि ये रहा। गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे 1500D की पूरी मेनू और सेटिंग्स आ चुकी है, जो कि मॉनिटर हमें पूरी तरह से दिखाई दे रही है। दोस्तों, आपको सिर्फ एक बात का याद रखना है, आपको आपका कैमरा यहाँ पे वीडियो सिस्टम में जाके आपको PAL पे सेट करना है, ना कि NTSC पे।
गाइस याद रहे यहाँ पे पैल पे करने के बाद ही हमारा कैमरा मिरर होगा HDMI से। सो दोस्तों अब मैं यहाँ पे आपको अब मोड चेंज करके बताता हूँ। ये रहा दोस्तों, मैं यहाँ पे मोड भी चेंज कर रहा हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हर एक मोड दिखाई दे रहा है और ये कैमरा हर एक मोड में मिरर सपोर्ट करेगा। मैं यहाँ पे मैन्युअली मोड पे भी बता देता हूँ दोस्तों, जो कि कुछ कस्टमाइज मैन्युअल सेटिंग्स आ जाएगी। ये रही और मैं यहाँ पे कैमरा कर लेता हूँ ऑन। तो ये रहा दोस्तों कितने अच्छे तरीके से, और मैं यहाँ पे ऑटो फोकस भी करके बताता हूँ दोस्तों, जो कि ये रहा। गाइस ये देखिए कितने अच्छे तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे हमने कैमरा हमारा मिरर कर लिया है। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं जल्दी DSLR को लेकर एक नई वीडियो में आपको मिलता हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।